वहीं राष्ट्रवाद और मसूद के मुद्दे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने, देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 मई को वोटिंग होनी है। लगातार जो बड़े नेता हैं उनका जमावड़ा राजधानी में लगा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं। सर, आप आए हैं लखनऊ, जाहिर सी बात है, चुनाव को लेकर आए होंगे। महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं चुनाव। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ रहेगा इस बार, चूंकि चुनौती कड़ी है ऐसा माना जा रहा है। जो सर्वे पोल आए, एग्जिट पोल आए, वो भी ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2014 जैसी पोजीशन नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र में 2014 से भी अच्छी सीटें हम जीतेंगे, क्यों तो तब भी भाजपा शिवसेना और आरपीआई का अलायंस था, अभी भी है, और बहुत अच्छे तरीके से हम जीतेंगे, क्यों तो पिछले समय में और आज के समय में ऐसा है। तब तो ना सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, ना जब स्टेट में बीजेपी की सरकार थी। 2014 के चुनाव के बाद में हम महाराष्ट्र जीता था, इसलिए दोनों सरकारें बीजेपी की अभी हैं और दोनों सरकारों ने बहुत बड़ा विकास कार्य किया है। सर, आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और कल देखिए जिस तरह से मसूद अजहर को लेके ये हुआ कि एक बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की, जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर बैन लगाया और कहा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, तो इसमें क्या रोल आप मानते हैं कि इंडिया ने? साल भर से प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल मंच पे बार बार उन्होंने कहा है कि अजहर मसूद को आतंकी घोषित किया जाए। चाइना से कई बार उन्होंने स्वयं इस बात को विषय रखा, और जहाँ भी यूनो में जहाँ जहाँ भी उन्होंने बार बार रखी है बात को, भारत देश ने रखा है और छुपा के नहीं रखा है, ओपनली कहा है। कई देशों का उस मामले में विचार बदल दिया प्रधानमंत्री जी ने, सही बात रखकर ऐसे कहीं पुरावे दिए, साक्ष्य उसमें सबूत दिए कि इन आतंकी हमलों में इनका हाथ होता है, पाकिस्तान का होता है, अजहर मसूद उनका हथियार बन के काम करता है। तो ये बड़ी कूटनीति जीत है भाई, ये बहुत बड़ी जीत है। ये विपक्षी लोगों को ये पच नहीं रहा है, ये चुनाव के बीच में हो गया है, ये और भी अच्छा है। और ये लेकिन विपक्ष ने इस मामले में अपनी भूमिका अच्छी नहीं निभाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो एनडीए के पक्ष में होगा और ये सरकार ने जो काम किया है कहीं ना कहीं वो दिख रहा है और उसी के बिहाव पे लोग एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ राजवीर सिंह, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।